नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और हमारे इस खास कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिनसे हम बात करेंगे मोदी की गारंटी की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 23 में जिस तरह से गारंटी चली, क्या 24 में भी ये चलेगी। तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं स्मृति ईरानी जी को। स्मृति जी मंच पर आए और इस चर्चा की शुरुआत स्मृति ईरानी जी के साथ इस खास सत्र की। स्मृति जी आपका स्वागत। धन्यवाद और आपको बधाई। ताजा 3 प्रदेशों में आपने भी चुनाव प्रचार किया जी। मैं मोदी जी की ओर से और नड्डा जी की ओर से आपकी इस बधाई को स्वीकार करती हूँ जी। बधाई आपने स्वीकार की और लोगों ने गारंटी मान ली, आप लोग कह रहे हैं, नतीजे भी ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन 24 में भी ये गारंटी इसी तरह से काम करेगी? रोहित जी, मुझे लगता है इतना सरल नहीं है मोदी की गारंटी का। अगर आप विश्लेषण करें तो भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद ही कोई प्रधानमंत्री ऐसा रहा होगा जो अपना पॉलिटिकल कैपिटल इस प्रकार से स्वयं दांव पर लगाने की हिम्मत रखता हो जी। और ये भी गौरतलब है कि ये एक ऐसे समय में प्रधान सेवक हैं जब मीडिया के अलग अलग तंत्र आज मौजूद हैं इनकी लीडरशिप को, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को परखने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। हमारे देश ने एक छत्र राज एक परिवार का देखा, एक छत्र राज एक राजनीतिक दल का देखा, लेकिन ऐसे समय में देखा जब संचार के माध्यम बहुत कम थे जी। तब टेलीविजन का आगाज नहीं हुआ था, तब रेडियो के ऊपर वाद विवाद का माहौल नहीं था, तब कोई ट्विटर पर ना झगड़ा होता था ना फेसबुक पर कोई विश्लेषक बैठकर लाइव करता था फेसबुक का, ना इंस्टाग्राम पे कोई रील होती थी। उस जमाने में नेता के लिए सबसे सुविधाजनक ये होता था कि वो स्पेशली अगर सत्ता में है तो वो सत्ता के माध्यम से, उस संचार के एक साधन के माध्यम से अपनी बात कहता था। बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो तीखा विश्लेषण करते थे जी। बिल्कुल। अब ऐसे माहौल में नरेंद्र मोदी की गारंटी आपको मिल रही है, उनका पॉलिटिकल कैपिटल वो स्वयं स्टेक पर लाते हैं जहां पर इंटरनेट के और प्रसार के, प्रचार के कई माध्यमों में आप हर दिन स्क्रूटनाइज होते हैं जी। सतत 10 साल राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व देना और फिर प्रादेशिक स्तर पर गारंटी बनकर उतरना जी। और न सिर्फ जनता के मध्य में राजनीतिक दल के लिए वोट की गारंटी बन जाना बल्कि बहुत लोगों की पॉलिटिकल वारंटी भी खत्म करने का माध्यम बन जाना, ये अपने आप में एक राजनीतिक इतिहास में एक अनोखा पन्ना लिखा गया है। स्मृति जी, ये आपने गारंटी में एक नई चीज जोड़ दी कि आप लोग गारंटी दे रहे हैं और दूसरों की वारंटी भी खत्म कर दे रहे हैं। आपको नहीं लगता जिनकी पॉलिटिकल वारंटी खत्म हो चुकी है वो अभी शायद विदेश जाने की तैयारी में है? लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो प्रतिद्वंदी रहे जी वो एकजुट हुए जी। जब परिणाम आ रहा था चुनाव का तब मैंने एक ट्वीट किया था, एक अकेला सब पे भारी, जो मोदी जी बोल चुके हैं देश की संसद में जी। और ये जो चुनाव का नतीजा आया मुझे लगता है वो उसका सबसे बड़ा प्रमाण था जी, कि मोदी से अकेले लड़ नहीं पाए तो विपक्ष को एकजुट होना पड़ा और एकजुट होने के बाद भी विपक्ष मोदी के सामने हार के नतीजे प्राप्त कर घुटने टेक रहा है जी। स्मृति जी, ठीक है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक साहस की बात है जी कि एक प्रधानमंत्री किसी प्रदेश के चुनाव में कहता कि मैं गारंटी लेता हूं, यानी अपने चेहरे को स्टेक पे लगाना। लेकिन ये आइडिया कहां से आया आप लोगों को एक गारंटी देने का कि मोदी की गारंटी? मोदी अपने आप में ही एक पॉलिटिकल आइडिया और आइडियोलॉजी है जी। मोदी अपने आप में एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन चुके हैं जी। और ये गारंटी शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि एक राजनीतिक दल का नेता नहीं बल्कि देश का सेवक बोल रहा था। और जब वो व्यक्ति बोल रहा था तो उसके पीछे का जो एक पॉलिटिकल कैपिटल है, एक्सपीरियंस है और उनका जो पॉलिटिकल इतिहास है वो हमेशा सुशासन का और वादों को निभाने का रहा है इतिहास। हमारे देश ने कई नेताओं को धारा 370 पर बोलते देखा है,
राम मंदिर पर बोलते देखा है। हमारे देश में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण पर विश्लेषण कई बार हुए हैं, लेकिन इन तीन प्रमुख मुद्दों पर जो भारत के राजनीतिक इतिहास का एक प्रखर हिस्सा रहे, उस पर डिलीवर अगर किसी ने प्रॉमिस पर किया तो वो मोदी ने किया जी। तो जिस व्यक्ति ने कुछ ऐतिहासिक और लंबे अंतराल में लंबे समय से चले आ रहे पॉलिटिकल चैलेंजेस का समाधान दिया, तो उससे बेहतर देश में डिलीवरी अगर गवर्नेंस की प्रशासन की दृष्टि से देखी जाए उससे बेहतर और कौन हो सकता है गारंटी देने वाला। स्मृति जी, आप भी चुनाव प्रचार में गई इन प्रदेशों में, तो जो नतीजे आए, जिस तरह की एक तरफा जीत जो हुई जी, इस बात की उम्मीद थी कि ठीक है कि जीत तो होगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी? मुझे लगता है रोहित जी, आप अगर सबसे बड़ा संकेत इसका चाहें तो राजस्थान में नरेंद्र मोदी ने स्वयं सार्वजनिक एक सभा में कहा जी कि गहलोत सरकार लौटने नहीं वाली और आज के बाद अशोक गहलोत कभी सरकार नहीं बना पाएंगे जी। सत्य हुआ। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक सभा में स्वयं कहा कि मैं कह रहा हूं कि कमल पुनः खिलने वाला है और ज्यादा ताकत से खिलने वाला है। आपको याद दिलाऊं, आपकी सुर्खियों में इसका उल्लेख रहा होगा, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने नाम से कहा कि भूपेश बघेल की सरकार जा रही है, कमल का फूल खिलने वाला है। तो डंके की चोट पर कहा गया कि जीतने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सोच विचार करके किसी ने ये कहा हो कि कोशिश कर रहे हैं जीतने की। मोदी ने डंके की चोट पर कहा जीतने वाले हैं और जीते। स्मृति जी, अब इन जब इन राज्यों के नतीजे सामने आए, अब एक और नैरेटिव चल रहा है, उत्तर दक्षिण की बात अब इस देश की राजनीति में होने लगी है। बड़े पहले भी थी लेकिन इतनी मुखर हो गए, और ये तक कहा जाने लगा कि आप लोगों की जो जीत है वो जो जहां पर गाय की पूजा होती है उसी बेल्ट में मजबूत है, लोकसभा तक तस्वीर बदल जाएगी। देखिए, जिन लोगों ने इस प्रकार की टिप्पणी की वो समाज में एक नया जहर घोलना चाहते हैं। कांग्रेस के ये घटक दल पहले जाति के आधार पर बांटना चाह रहे थे देश को, धर्म के नाम पर लोगों को इन्होंने उकसाने की कोशिश की, और अब ज्योग्राफी भूगोल के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने शायद ही इस बात को परखा होगा, सोचा होगा कि आज दक्षिण भारत की अगर आप लोकसभा की सीटें देखें तो कांग्रेस से ज़्यादा लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन आज तक भारत की राजनीति में ये इतिहास रहा है कि जब कोई पक्ष हारता है जी, तो हारने के बाद अपने ही देश और देशवासियों के खिलाफ और सनातन धर्म के खिलाफ इस प्रकार का जहर आज तक किसी ने नहीं उगला जितना कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने उगला है। तो बैर इनका मोदी से है और दुश्मनी ये देश से निकाल रहे हैं। बैर इनसे अगर आप देखें और विश्लेषण सनातन धर्म के संदर्भ में भी करें जी, तो जिस प्रकार का ये द्वेष की भावना लेकर अपनी राजनीति इस वक्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का आक्रोश जनता के मन में है कि आप वोट के और वोट का जो निर्णायक एक पहलू है वो जनता की इच्छा है जी। तो जनता ने अगर इच्छा व्यक्त की कि उनको कांग्रेस को नकारना है जी, या कांग्रेस को हराना है, तो आप ये अपमान मात्र किसी एक विशेष धर्म का नहीं कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं कि आपको लोकतांत्रिक ढांचे में जो जनता का निर्णय है वो आप मान्य नहीं मानते जी। स्मृति जी, आपने बात की सनातन की जी, कांग्रेस का कहना, और बिल्कुल हम भी दिखाते हैं, ये लोग भी सनातन की बात करते हैं, कांग्रेस कहती है हम भी सनातन की बात करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, लेकिन आप लोग मंदिर मंदिर करके ध्रुवीकरण कर रहे हैं। नहीं, आज मैं अगर कांग्रेस वाकई में ये कहते हैं कि वो हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, तो मैं चुनौती एक देना चाहूंगी आपके मंच पर जी। अगर सनातन के प्रति इतनी वाकई में उनकी आस्था है तो तुरंत डीएमके से अपना संबंध तोड़ दे। इतनी है क्या हिम्मत? नहीं होगी। क्योंकि रोहित जी, मैं इतिहास के कुछ पन्ने पलटाकर आपको याद दिला दूं कि वही डीएमके पार्टी है जिस पर कांग्रेस के आला कमान ने यह आरोप मढ़ा था कि राजीव गांधी की हत्या में डीएमके के कुछ नेताओं का हाथ था, आपको याद है जी। तो जो अपने नेता के हत्यारों के साथ हाथ मिला सकते हैं, आज मैं उनको चुनौती देती हूं कि अगर वाकई में सनातन में उनकी आस्था है तो कल के कल डीएमके का साथ छोड़ दें, नहीं करेंगे, वो सत्ता के भूखे हैं।
सनातन के वो मार्ग पर नहीं चलते। एक और आरोप कि 24 से पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी जनवरी में, और चुनाव से पहले मथुरा की एंट्री हो गई है। आपको मथुरा के नाम पर उत्तर प्रदेश के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश। देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार बन चुकी है जी, और मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से सांसद हूं तो बड़ी ही विनम्रता से कहना चाहती हूं कि 2022 में जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो एक गली में जाकर नमाज अता कर रहे थे, दूसरी गली में जाकर मंदिर में प्रवेश करने का दुस्साहस कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश ने भी इनको परखा, देखा, जाना और रिजेक्ट कर दिया। मैं अपने ही लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करूं तो 5 विधानसभा में से जहां पर गांधी खानदान 40 साल से राज कर रहा था, 4 विधानसभा में तो जमानत जब्त हो गई, भाई बहन दोनों आए थे प्रचार करने के लिए। इस बार भी अमेठी में राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी होगा। भाई, मेरी तो हिम्मत यह है कहने की कि भाजपा जीतेगी। उनकी हिम्मत है कि सिर्फ अमेठी की सीट से राहुल गांधी लड़ेंगे, मुझे नहीं पता। इतना कह दो रोहित जी, घमंड नहीं है जी, विश्वास है जो काम किया है हमने, और मोदी की गारंटी है जी कि भारतीय जनता पार्टी अमेठी की सीट जीतेगी। क्या इतना ही विश्वास कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता में है कि नहीं, राहुल जी लड़ेंगे तो सिर्फ अमेठी से लड़ेंगे और किसी सीट से नहीं लड़ेंगे जी। स्मृति जी, अगर ये इंडिया अलायंस की जो बात हो रही है, और उत्तर प्रदेश, विनम्रता से बता दूं कि पहली बार अलायंस नहीं हुआ है। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति जानते हैं तो ये अलायंस मैं अमेठी में हरा चुकी हूँ। अमेठी में राहुल गांधी अकेले नहीं लड़े थे जी, बिल्कुल, सपा बसपा के संग मिलकर लड़े थे जी। तो जो व्यक्ति अपना चुनाव अपने दम पे नहीं लड़ सकता वो किस घटक दल का नेता बनने की औकात रखता है, बताइए। नहीं, अगर ये अलायंस होता है और खास तौर पे दक्षिण की बात होती है, देखिए, तो दक्षिण में आपको नुकसान नहीं होगा, आपको नहीं लगता कि 131 मैं दोबारा कह रही हूं, आपने पहले तो अपने ही प्रश्न का उत्तर दे दिया, कहा कि अगर अलायंस होता है तो आप ही खुद कन्विंस नहीं है जी। और मुझे लगता है आज की तारीख विशेष है जी कि जो लोग अपने ही सहयोगी दलों का अपमान कर रहे थे विधानसभा के चुनाव में, अभी मध्य प्रदेश में, अब वो फोन लगा रहे हैं कि आइए मीटिंग करिए। तो आपको क्या लगता है, जो एक अंग्रेजी में शब्द है ना, जो कमिलियन लेपर्ड नेवर चेंजेस देयर स्पॉट्स, तो आपको क्या लगता है कि इनके सहयोगी दलों को पता नहीं है कि इनके घमंड का क्या असर है उनकी राजनीति पर? आज की तारीख पे उन्होंने तय किया था कि सारे उनके सहयोगी दल एकजुट हो जाएंगे राहुल जी के नेतृत्व में जी। आया कोई? और मुझे लगता है इस अलायंस का सबसे बेहतरीन जवाब स्वयं ममता जी ने दिया है और कहा है कि जहां जहां राहुल गांधी हैं वहां हार निश्चित है जी। यानी आपको ये जो उनका अलायंस जो बन रहा है अभी जिस स्वरूप तो ले रहा है, देखिए इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते, उससे आपको कोई चुनौती नहीं मानते 24 में। वही तो कह रही हूं रोहित जी, आप तो खुद ही अलायंस का अभी तभी कभी कर रहे हैं जी। तो मान लीजिए आप अलायंस दिल्ली की बोले उनकी, मुझे नहीं पता, मैं उनकी प्रतिनिधि नहीं हूं, तो क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि केजरीवाल के पक्ष में कांग्रेस कोई भी सीट नहीं लड़ेगी, या केजरीवाल कांग्रेस की वजह से कोई भी सीट नहीं लड़ेंगे? फिर जाएं पश्चिम बंगाल, क्या ममता जी अपनी सारी सीटें छोड़ देंगे ताकि राहुल गांधी जी लड़वा सके अपने किसी मित्र को, अपने किसी सहयोगी को, अपने किसी कार्यकर्ता को? आप बिहार जाइए, क्या आप कह रहे हैं नीतीश कुमार हों या तेजस्वी जी हों वो अपनी सारी सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ देंगे? ऐसा होगा क्या? नहीं, बात स्वाभाविक है, सीट शेयरिंग अपने आप एक बड़ा इशू होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी तो अलायंस सबसे बड़ा इशू है कि नहीं है, वही प्रश्न चिन्ह है। उत्तर प्रदेश को एक बार फिर जिक्र करूंगा जी। उत्तर प्रदेश में पिछली बार का प्रदर्शन आपका, और इस बार क्या लग रहा है कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है पिछली बार से बेहतर नतीजा? आप चाहते हैं कि मैं राजनीति के विश्लेषण करते करते ज्योतिष शास्त्र का भी यहाँ पर आपको अनुभव बता दूं? नहीं, मैं आपसे देखिए, मैं आप बिल्कुल सही आपने बात कही, हम अक्सर ये सवाल जरूर पूछते हैं कई जगह की, आपको सीधे बताओ, लेकिन आपसे ये सवाल मैंने बड़े सोच समझ कर पूछा, उसके पीछे वजह ये है, आपने उस सीट से चुनाव लड़ा, उस सीट से चुनाव जीता अमेठी। मैं पिछले 15 साल से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं जमीन पर, तो मैंने जिस तरह से आपने वो चुनाव लड़ा, इस सवाल का जवाब आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से दे सकते हैं, इसलिए मैंने सवाल पूछा। मैं वही कह रही हूं आपसे कि जो सुनामी आई है अभी 3 राज्यों में, आपको क्या लगता है उस सुनामी से उत्तर प्रदेश वंचित रहेगा?
अभी हालांकि पिछली बार भी वही स्थितियां थी, मायावती भी साथ लड़ी, अखिलेश यादव भी साथ लड़े, कांग्रेस थी, आरएलडी भी साथ में थी, हालांकि अब मायावती नहीं है, और अगर वो आ जाती हैं एक बड़ी चर्चा फिर से शुरुआत होगी कि वो भी आ सकती हैं। कार्यकर्ता के नाते हमारा काम क्या है, ये नहीं है कि विपक्ष में कौन किसके साथ कब बैठा, कब आया, कब गया। कार्यकर्ता के नाते हमारा काम यह है कि हमारे बूथ पे क्या हम जनता जनार्दन के मध्य में मोदी की गारंटी को पहुंचा पा रहे हैं, क्या जनता और नरेंद्र मोदी और अपनी पार्टी के बीच में हम संवाद का सेतु बन पा रहे हैं, और क्या हम में जितनी क्षमता है उसके आधार पर जनता की, हमने सतत इतने वर्षों से जो सेवा की उसके आधार पर क्या हमने जनता के मध्य में वो विश्वास उत्पन्न किया है, हमारी लीडरशिप ने, हमारे नेतृत्व ने किया है। अब कार्यकर्ता का काम है कि उस विश्वास पात्र जो हमारा नेता है उसके प्रति जनता का आशीर्वाद वोट के माध्यम से हम पहुंचाएं। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र के हर बूथ का कार्यकर्ता आपको 2024 में कमल खिलाकर दिखाएगा हर बूथ पर। स्मृति जी, आज संसद में देख रहे थे, एक बार फिर हंगामा हुआ, गृहमंत्री ने कहा, कश्मीर का जिक्र हुआ, उन्होंने कहा कि दो बड़ी गलतियां जवाहरलाल नेहरू की, उस पर काफी हंगामा हुआ जी। तो बार बार ये भी लगता है कि आप लोग अपना काम बताइए, विपक्ष कह रहा है कि बार बार इस तरह का नैरेटिव, हर बार नैरेटिव सेट करने की कोशिश। हर बार नहीं, आप अगर उस वार्ता को बड़ी बारीकी से देखें तो अधीर रंजन जी ने कहा कि हम कभी नेहरू जी के ऊपर विश्लेषण करें जी। अमित शाह जी ने क्या कहा, चलिए अभी करते हैं। किया क्या कांग्रेस ने? नहीं किया। मतलब आप चुनौती देते हैं, हम चुनौती के लिए तैयार हैं, फिर आप मैदान जंग से भाग जाते हैं, तो इसमें दोष भाजपा का थोड़ी ना है। एक और बड़ा मसला, हालांकि इस चुनाव में भी कोशिश की गई जी। लेकिन ठीक है, बीजेपी कांग्रेस की सीधी लड़ाई थी, लेकिन जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, चाहे दक्षिण के राज्य हो, चाहे उत्तर भारत में भी हमारे कुछ राज्य हैं, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, जातीय जनगणना की बात हो रही है, ओबीसी को केंद्र में रखकर बात हो रही है, और तो आपको नहीं लगता कि 24 में ये एक बड़ी चुनौती होगी अगर जातीय जनगणना की बात होती है? मुझे लगता है कि जनता इतनी जागरूक है कि जानती है कि जाति के आधार पर विपक्ष बांटने का प्रयास करता है। जनता इतनी जागरूक है कि जानती है कि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा ओबीसी एमपी, सांसद और एमएलए विधायक है। जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी स्वयं ओबीसी समाज से हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी अपनी जाति के आधार पर वोट नहीं मांगा। नरेंद्र मोदी ने हमेशा विकास के कामों के आधार पर वोट मांगा है, जनता का सतत आशीर्वाद मांगा। ये पहला हमारे देश का प्रधान सेवक ऐसा जिसने 2024 के लिए नहीं, 2047 के लिए काम करने का आह्वान किया है जी। और मुझे लगता है कि विकसित भारत के संकल्प को जनता का साथ मिलेगा जी। जनता को बांटने का धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इन तीनों राज्यों में जहां बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई, तीनों राज्यों में कोशिश की गई थी जी। और जो तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार है वो अपने आप में जनता के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब है कांग्रेस पार्टी को। नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा कि उनके लिए चार ही जातियां हैं, महिला, युवा शक्ति, गरीब, किसान जी। और जनता ने इसको स्वीकार किया है। स्मृति, एक और अहम सवाल, ये आपने बात की जातियों पर, आपने बात की, ठीक की ठीक है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश, और आपका कहना कि मोदी जी की गारंटी के सामने इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन अब हम 24 की बार बार जिक्र इसलिए 24 का कर रहे हैं, ये जो तीन राज्य जीते अभी, 2003 की बात करें, भारतीय जनता पार्टी तीनों में जीती थी, लेकिन 24 आज, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया, मेरा सवाल ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैं इसलिए आपका अभी जवाब इतनी जल्दी इसलिए देने का प्रयास कर रही हूँ, यहाँ ऑडियंस में जितने लोग बैठे हैं मेरा उनसे परिचय नहीं है जी। ठीक है, मैंने शायद ही आपके साथ कभी कोई इंटरव्यू किया होगा जी, पहली बार जी। पहली बार किया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या लगता है 24 में नरेंद्र मोदी जीत के आ रहे हैं, वापस प्रधानमंत्री बन रहे हैं? अब ये पब्लिक है, सब जानती है, गारंटी और एक्सपायर्ड वारंटी के बीच का फर्क पहचानती है, यही तो वोटर है। आपका वोटर आपको बोल रहा है कि 24 में कौन जीतने वाला है, तो यानी आपका यही कहना है कि अच्छा चलिए वोटर छोड़िए, आज हम एंकर से पूछ लें जी, शक है कोई? नहीं देखिए, मैं तो जब लोकसभा का चुनाव होगा मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ना ना ना, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आप किसको वोट करने वाले हैं जी, मैं ये नहीं पूछ रही कि आप किस राजनीतिक दल को वोट देने वाले, मैं ये पूछ रही हूँ आपको शक है क्या?
कि मोदी जीतने वाले हैं या नहीं जीतने वाले, ऐसा लगता है? नहीं, लेकिन मेरा सवाल एक ही था इस मंच पे, उसका तो जवाब दे दीजिए। स्मृति जी, मुझे लगता है कि इंटरव्यू करने के लिए मैंने आपको आज बुलाया है। कोई बात नहीं। मेरा एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए जी। इतने सवाल आपने किए, सारे जवाब मैंने दिए, मेरा एक सवाल तो बनता है, क्या लगता है रोहित जी, बोल दीजिए। स्मृति जी, मुझे लगता है संत जी से बात करनी पड़ेगी मुझे। वो तो हो गया, लेकिन मुझे एक बार तो बता दीजिए। चलिए इतना कह देते जी, आपने इस बात को अस्वीकार नहीं किया, वही आपका जवाब है। नहीं स्मृति जी, मैं नहीं, मेरा ये जवाब नहीं, लेकिन मेरा, अगर आप मेरा जब विश्लेषण अगर सुनना चाहें, मैं बार बार करेंगे, मुझे हिंदी पट्टी के वो राज्य में, चाहे बिहार की बात खासतौर पर करूं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलेगी। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती है। सुन लीजिए, मैंने यहाँ पर नागरिकों से ये नहीं पूछा दक्षिण में जीतेंगे, उत्तर में जीतेंगे, पश्चिम में जीतेंगे, कहाँ जीतेंगे, पूरब में। मैंने कहा कि क्या 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक बनेंगे? आपकी ऑडियंस ने कहा ठीक है स्मृति जी। और ये युवा पीढ़ी है जी, एक वो है युवा जो 50 साल से पार हो गए फिर भी युवा है, लेकिन ये जेन्युइन युवा है और ये मातृशक्ति का भी प्रतीक है जी। तो युवा शक्ति मातृशक्ति दोनों कह रहे हैं भाई। और हमारे यहाँ तो सभ्यता में कहते हैं कि बेटी के मुंह से, लक्ष्मी के मुंह से निकल गया एक बार शब्द तो वो खरा उतरता है, तो बताइए आपको इस लक्ष्मी पर क्या भरोसा नहीं है? ये तो नेता नहीं है स्मृति जी, आप तो ऑडियंस को भी हमारे खिलाफ कर देंगे। अरे बिल्कुल करेंगे, बताइए सर। स्मृति जी, एक सवाल मेरा आपसे और है, ठीक है, ये आपने बात की, आप आत्मविश्वास से लबरेज है, होना भी चाहिए, अभी नतीजे आपके पास है, लेकिन एक सवाल मेरा है आपसे। आपने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हाँ जी, बड़ी सारी ऐसी योजनाएं जन कल्याण की, जाहिर सी बात है हर तबके को फायदा हो रहा है, लेकिन जब ये इलेक्शन की बारी आती है तो राजस्थान में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं, पहले आपके मुस्लिम विधायक यहां पर रहे, ये सवाल तो उठता है कि आखिरकार क्या इसके जरिए एक मैसेजिंग देने की कोशिश होती है ध्रुवीकरण? अगर मैसेजिंग देना होता तो ईरानी को मंत्री क्यों बनाते हैं? इनका नाम क्या है जी? मैंने राजस्थान का जिक्र किया, मैं देश का जिक्र कर रही हूं। देखिए, जिन लोगों ने इस प्रकार के प्रश्नों को कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर जन्म देने की कोशिश की, मैं उनसे पूछती हूं आज, जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर घर में नल से जल आना चाहिए, तो क्या उन्होंने ये कभी कहा है कि नलके में जल उसी के घर आएगा जो हिंदू का घर है? नहीं कहा। नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि हाईवे बनानी है, तब कहा कि उस पर सिर्फ हिंदू चलेगा? नरेंद्र मोदी ने कहा जब कि नई शिक्षा नीति बनानी है, तब कहा कि शिक्षा नीति सिर्फ बीजेपी के वोटर के लिए है या हिंदुओं के लिए? नहीं कहा जी। तो जब नरेंद्र मोदी भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो आप इस भावना, और आप मुझे कहना चाहते हैं कि मैं आज हिंदू होने के नाते अल्पसंख्यक मंत्री हूं जी, और मैं पुरुषों के लिए भी काम करती हूं, तो अब क्या आप इस प्रकार की राजनीति चाहते हैं कि पुरुषों का काम सिर्फ एक पुरुष नेता करे, महिलाओं का काम सिर्फ एक महिला नेता करे, हिंदुओं का काम सिर्फ हिंदू नेता करे, क्रिश्चियंस का काम सिर्फ, ये किस प्रकार का बंटवारा है जी? ट्राइबल का काम सिर्फ ट्राइबल नेता करे? आप देश को और तोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका कहना है कि विपक्ष देश को, जब एक विधायक तोड़ने की बात कर रहा है, जब एक विधायक और एक सांसद अपने लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में प्रवेश करता है, तो जो शपथ ली जाती है संविधान की, क्या उस शपथ में कहीं लिखा है कि मैं सिर्फ एक वर्ग धर्म विशेष के लिए काम करूंगा या करूंगी? नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, देश को तोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए, देश को इन्फॉर्म करने की बात होनी चाहिए। अगर इन्फॉर्म करने की बात, इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है, पूरा देश जानना चाह रहा है कि ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, हमारी पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है जी, वो सही समय पर अपना निर्णय प्रेषित करेगी जी। अब आप चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म है मोदी की गारंटी का,
उस प्लेटफॉर्म पर मैं इतना घमंड करूं कि अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के अधिकारों का हनन कर दूं, तो ये तो संभव नहीं, नहीं है। मुझे पूरा भरोसा था कि आप नहीं देंगे इस सवाल का जवाब, लेकिन सवाल पूछा जरूर कि आपका जवाब किस तरह से आता है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। क्योंकि इसका मतलब आप इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, आप ट्रायल्स कर रहे हैं। नहीं, मैं इंटरव्यू कर रहा हूं सुमित जी, नहीं वो ट्रायल करते होंगे कुछ लोग, लेकिन मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। तो खैर, इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन ये तो स्मृति जी बता सकती हैं कि कब तक कितना इंतजार करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा ना, पार्लियामेंट्री बोर्ड आपको बता देगी, उत्सुक क्यों हो रहे हैं? आपके यहाँ पे कई धुरंधर ऐसे पत्रकार भी हैं जो आपको विश्लेषण और सुर्खियों से कहाँ कहाँ से उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं वो भी बता देंगे, ट्वीट भी कर देंगे। एक तो बैठे हैं आप, उनका नाम नहीं ले रही हूं। अच्छा स्मृति जी, महिला आरक्षण की अगर बात करें, क्या लगा आपको कि महिला आरक्षण भी गेम चेंजर रहा जो इस बार इन तीन हिंदी पट्टी के राज्यों के, अगर मैं खास तौर पर बात मुझे करूं। लगता है कि अगर आप भारत की राजनीति और उसमें जो संवाद है उसको देखें, मेरे लिए तो ये सुखद अनुभव था कि जब मैं इस बिल पर बोली संसद में जी, तब मैं इतिहास का एक पृष्ठ संसद के सम्मुख प्रस्तुत कर पाई। बार बार कांग्रेस पार्टी ने डंका बचाया जैसे कि महिला आरक्षण के बारे में चिंता सिर्फ उनकी रही है। जी। 1970 के दशक में भारतीय जनसंघ ने हमारे जो एक कमेटी बनी थी कि महिलाओं की स्थिति देश में क्या है, उसमें अपने जब भाव प्रकट किए थे तो लिखित में ये विषय लिखा था कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब 1974 से ये देश की संसद में रिकॉर्डेड है कि मेरी आइडियोलॉजी, मेरी विचारधारा के लोगों का महिला आरक्षण के संदर्भ में क्या एक सोच रहा, क्या एक दृष्टिकोण रहा। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के पास 10 साल सत्ता थी जी। कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में बिल पारित करने में मदद की, इस अपेक्षा के साथ कि उनके पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत थी और वो लोकसभा में बिल को पारित कर सकते थे। लेकिन सत्ता होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने बिल को पारित नहीं किया था। मेरे लिए और भी गर्व की अनुभूति तब हुई जब नई जो बिल्डिंग संसद के जो भवन बना उसमें पहला जो विषय था वो नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण का लिया। मतलब गृह प्रवेश की जब विधि होती है तो लक्ष्मी की या फिर सरस्वती का या माँ आदिशक्ति का उल्लेख या उनका उनकी आराधना होती है, तो वाकई में उसका एक लेजिस्लेटिव स्वरूप हमें देखने को मिला। जहाँ तक इसका इम्पैक्ट राजनीति या फिर इलेक्शन रिजल्ट की आप बात करते हैं, तो क्या हम ये मानकर चलें कि 10 साल के अंतराल में नरेंद्र भाई ने महिलाओं के लिए जो काम किए वो अछूते रह गए इस रिजल्ट से? बिल्कुल नहीं। हमारे देश की राजनीति में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि हमें अगर महिला का सम्मान करना है तो आओ उनके लिए एक टॉयलेट बनाएं। पुरुषों के लिए शायद समझना थोड़ा सा कठिन होगा, शहरी इलाके में लड़कियों के लिए समझना शायद कठिन होगा। आप इमेजिन कीजिए कि ग्रामीण अंचल में, गरीब अंचल जी, बिल्कुल जी, लड़की का इंतजार करना कि कब सूरज ढलेगा। अगर आप 2010-11 का आंकड़ा निकाले, एक टेलीविजन चैनल पर डिबेट हुई थी जी, कि महिला के ऊपर खुले में शौच करते वक्त जब वो जाती है, रेप के केसेस और शोषण के केसेस 44% थे जी। ऐसी हालत से, और किसी औरत ने कभी भी, किसी लड़की ने किसी नेता से नहीं कहा था कि टॉयलेट बना दो जी। दूसरी बात, लाल किले की प्राचीर से कभी भी, हमारे यहाँ पर महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं, सैनिटरी पैड की बात किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की जी, बिल्कुल। और किसी प्रधानमंत्री ने कभी भी इस बात की चिंता नहीं की कि क्या गरीब औरत का बैंक का खाता खुला है कि नहीं खुला। ये मान कर चलते थे लोग कि घर में पुरुष है तो ज्यादा से ज्यादा पुरुष का एक खाता होगा, जो भी बही खाते का काम है, बैंकिंग का काम है, वो उसके माध्यम से हो जाएगा। 24 करोड़ गरीब औरतों के लिए पहली बार जीवन में बैंक का खाता खुलना, और वो बैंक के धक्के नहीं खा रही, बैंक चल के घर आ रहा है उनका खाता खुलवाने। जब नरेंद्र मोदी ने इतनी छोटी छोटी चीजों में महिलाओं की और विशेषतः गरीब महिलाओं की चिंता की, तो आपको क्या लगता है महिलाएं मोदी का साथ नहीं देंगी? स्मृति जी ये बताइए, मैंने आज सुबह भी कुछ लोगों से सवाल किया, आपसे भी करना चाहूंगा, कि आप लोग एक चुनाव खत्म होता है दूसरे की तैयारी शुरू कर देते हैं, कोई कभी थकेंगे या थकते हैं कभी आप? और आखिरकार ये क्या, ये किस तरह की मैनेजमेंट है? एक ये भी एक शोध का विषय है, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। नेता हमारा ऐसा है जी कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं
ये स्फूर्ति जो है या फिर ये संकल्प जो है वो कहाँ से आता है कि तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो ये? क्योंकि आज तुम सांसद हो, विधायक हो या फिर संगठन के किसी पद पे हो, कल कुछ नहीं होगे जी। और ये वो संगठन है जिसके दो सांसद हुआ करते थे जी, जिनका मजाक उड़ाया जाता था जी कि तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। ये वो संगठन है जिन्होंने कई राज्यों में, आज भी बंगाल में अगर आप हमारे कार्यकर्ता को देखें, महिला कार्यकर्ता का बलात्कार होता है, नौजवान कार्यकर्ता पुरुष अगर है तो उसे गांव में किसी खेत में सरेआम लटका दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। केरल में हमारे यहाँ पे एक ऐसा कार्यकर्ता था जो ऑटो चलाता था, उसके हाथ यहाँ से काट दिए ताकि उसके पास काम ना रहे, ऑटो ना चला पाए, फिर भी रुका नहीं भाजपा का कोई कार्यकर्ता जी। तो ये किसी आप इलेक्शन से इसको जोड़ नहीं सकते। और हमारा नेता जो आज बोलता है, नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं वो क्या कहते हैं, ये नहीं कह रहे अरे 24 में मुझे जिता दो, वो कह रहे हैं आज से 25 साल बाद हम तो नहीं होंगे, खप जाएंगे, यही तो होंगे 25 साल बाद। कौन सा नेता आज तक आया है जो कहता है कि तुम आज से 25 साल बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो, चलिए आज हम सब मिलकर उसके लिए काम करें जी। एक नेशनल गोल देने वाला व्यक्ति जब वो नहीं थकता तो क्या हमें थकने की इजाजत है? बिल्कुल स्मृति जी, ये बताइए थकने की इजाजत है नहीं है? अब इसका पूरा आपने विस्तार से बताया, जाहिर सी बात है, लेकिन विपक्ष कहता कि आप लोग डराते हैं ईडी से, सीबीआई से, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल तो कर रहे हैं। चलिए यही विपक्ष ने चुनाव के वक्त भी बोला था, कहा था ना जी, जनता ने जवाब क्या दिया? मध्य प्रदेश मतलब चोरी करोगे तुम और कोतवाल अगर दरवाजे पे आ जाए तो कहो कि भैया दरोगा क्यों आया है, तो चोरी ना करो, एजेंसी नहीं आएंगी। और चोरी कर रहे हो किसका पैसा? जनता का। जनता को लूटोगे और फिर कहोगे कि अरे यार हमने लूट लिया, पैसा क्यों वापस ले रहे हो, जेल क्यों भेज रहे हो, और हम तो नहीं भेज रहे। विधिवत जांच एजेंसी जांच करने के बाद जो न्यायालय के सामने प्रमाण प्रस्तुत करेगी, एविडेंस प्रस्तुत करेगी, उसके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय लेंगे। वारंट इशू कौन करता है जी? जेल में अगर आप हैं और बेल के लिए एप्लीकेशन जाती है तो किसके सामने जाती है? न्यायालय में जाती है, रिजेक्ट होती है। सतत एक भ्रष्ट नेता जेल में रहता है तो किसकी वजह से रहता है? न्यायालय की वजह से रहता है। तो क्या विपक्ष के नेता ये कहते हैं एजेंसी झूठे, देश की जुडिशरी भी झूठी? और इन्होंने ये आजमा तो लिया इस चुनाव में, जवाब मिल तो गया, अब मैं आगे क्या बोलूं? ईवीएम पर भी सवाल उठ रहे हैं मध्य प्रदेश में, कहा गया कि साहब ईवीएम पर सवाल अपने नेता पे उठाना चाहिए, ईवीएम पे नहीं। नेताओं पे सवाल उठाना चाहिए, लेकिन नेताओं ने, इनके यहां तो एक ही नेता है, एक हाफ नेता है, वन एंड हाफ नेता के साथ तो काम कर रहे हैं, तो अपने नेता पे सवाल उठाओ, ईवीएम पे क्यों उठा रहे हो? मध्य प्रदेश में कहा गया, तेलंगाना में ईवीएम ठीक था जी, ये कहा मध्य प्रदेश में। एक और बात, इसका भी मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि साहब जो बैलेट पेपर पोस्टल बैलेट आए वो ज्यादातर कर्मचारियों के और जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनके हैं, उसमें कांग्रेस कह रही है कि उसमें तो हम बहुत आगे थे, उसमें तो हम लोग 100 के करीब सीटों पर आगे थे कि लौट के आए नहीं विधानसभा जी। मैं वही तो कह रही हूँ, इतना आगे गए भैया, जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचे, चूक गए, मतलब क्या बचपना है ये? स्मृति जब 24 में फिर लड़ाई किसके साथ है आपके? मुझे क्या पता, राहुल गांधी से पूछो। देखिए वो वोट के लिए लड़ रहे हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, यही फर्क है। आपका कहना है कि 24 में जो आपके कार्यकर्ता पूरे जोश में कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, हाँ, तो इस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है पीछे जाएंगे? ये मोदी की गारंटी की गाड़ी है, रिवर्स गियर में नहीं चलती, आगे बढ़ेंगे, आगे ही जाती है मोदी की गाड़ी, पीछे नहीं जाती। स्मृति जी, चर्चा के आखिरी दौर में अब हम लोग हैं जी,
आपने मोदी की गारंटी यहाँ चली, 24 में भी आप कह रहे हैं कि चलेगी और उनकी मैं फिर पूछती हूँ, मैंने एक ही सवाल आपसे पूछा है जी, बता दीजिए। नहीं देखिए, मैं तो जब चुनाव आएंगे जरूर बताऊंगा स्मृति जी, अभी से बता दीजिए। नहीं अभी, अच्छा चलिए फिर से जनता से पूछ लेती हूँ, क्या लगता है 24 में मोदी? तो स्मृति जी मैंने फिर मौका दिया कि अगर मन बदलना हो तो बदल। ये लोग तो मुझे लग रहा है आपके फैन है, क्योंकि जैसे आया आपको देखने के लिए सब लोग आपके, तो हो सकता है इसलिए भी कह रहे हो। नहीं नहीं, मंच मोदी की गारंटी का है, सास बहू का नहीं है। ठीक है, आपका कहना है कि मोदी की गारंटी, और आपका क्या कहना है? देखिए मेरा ये कहना है कि 24 आते आते, मैं बार बार मैं पूछ कह रहा हूँ स्मृति, इस सवाल पे भी हम चर्चा कर लेते हैं बिल्कुल आखिरी दौर में। नहीं नहीं, आप समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मुझे ये बताइए, दक्षिण भारत के राज्यों की मैं बात करूं, अगर हम इधर से शुरू करें, आप अगर कोशिश करना चाहते हैं, उत्तर दक्षिण का भेद जताना चाहते हैं, मैं पुनः कहती हूँ, आज भी दक्षिण भारत में भाजपा के सांसद कांग्रेस से ज्यादा हैं। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का क्या जवाब है आपके पास? देखिए मैं दोबारा कहती हूँ, कांग्रेस ने जाल बिछाया, हम नहीं फंस रहे, आप क्यों फंस रहे हैं? नहीं लेकिन विश्लेषण तो जरूरी है उसमें, मैं इससे विश्लेषण, क्योंकि 131 सीट उस पट्टी से आती है जहां पर भारतीय जनता। आप, मैं दोबारा कह रही हूँ, आप अगर बैटन वाली रेस चल रहे हैं और हर साल में बैटन बदल रहा है आपके हिसाब से, या हर विधानसभा में बैटल बदल रहा है, मैं आपको रेस का परिणाम बता रही हूँ, फिर से पूछ लेते हूँ। उनके पास माइक नहीं है, बोल रहे हैं, दे दीजिए। माइक अभी आपके पास ही रहने देते हैं। मैं दे सकती हूँ, आ जाओ बच्चा। ठीक है स्मृति जी, बिल्कुल कमांड मतलब ना ये बोलेंगे ना किसी को बोलने देंगे। नहीं अब आपने पूरी अपनी बात रखी। एक आखिरी सवाल आपसे आखिर में, ठीक है, युवाओं की बात अगर हम कर रहे हैं तो युवाओं के लिए आपकी पार्टी का 2024 के लिए क्या विजन है? क्योंकि बार बार रोजगार की बात होती है, रोजगार को लेकर सवाल विपक्ष भी उठाता, और एक ऐसा इशू है, ऐसा नहीं पहली बार सवाल उठा है, उठा है, उठता रहेगा। देखिए विपक्ष का वो एक नेता बेरोजगार हो गया है, उसमें हमारी गलती नहीं है, उसमें टैलेंट ही नहीं था। ठीक, और जहां तक देश के नौजवानों की बात है, मुद्रा योजना, मैं छोटा सा ही विश्लेषण आपको दे रही हूँ, नरेंद्र मोदी ने स्वयं रोजगार मेला के माध्यम से लगभग 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी, जो कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल से ज्यादा है। मुद्रा योजना में 8 करोड़ नौजवानों ने लोन्स लिया ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। सिंपल सा गणित है, उन 8 करोड़ लोगों ने अपने व्यवसाय के लिए, मतलब छोटे बिजनेस के लिए पैसा लिया, कम से कम किसी एक के साथ तो काम किया होगा। इसका मतलब 8 करोड़ अगर किसी एक को भी काम देते हैं तो कितना हुआ मैथ्स में? 16 करोड़ जी। तो 9 लाख सरकारी नौकरियां, 8 करोड़ का नौजवानों को लोन, और फिर उसके साथ अगर आज आप पूरा स्किल का भी विश्लेषण कर लें, डिजिटल लिटरेसी का विश्लेषण कर लें, स्वनिधि में अगर विश्लेषण कर लें, हर स्कीम में आपको युवा वर्ग ने विशेष रूप से किस प्रकार से अपने साथ अपने अपने आप से सृजन किया है नौकरियों का, उसका प्रमाण तो ऑलरेडी है, एम्पेरिकल एविडेंस है। और अगर आप लेबर के भी मिनिस्ट्री के नंबर्स देख लें तो आज सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट इस देश के इतिहास में अगर है तो मोदी के राज में, और ये कह दूं कि तब है जब ये देश कोविड की विषम परिस्थिति से गुजर चुका है जी। तो जब आंकड़े सच बयान कर रहे हैं और यही वापस ये नौजवान बैठे हैं, वोट किसको जा रहा है? देखिए वापस ही बदल रहा है। स्मृति जी आखिरी सवाल मेरा आपसे, आखिरी का कितना आखिरी है ये अच्छा बिल्कुल फाइनल है। हाँ। क्योंकि मुझे थोड़ा वक्त और मिल गया तो मुझे लगता है एक सवाल आपसे और करना चाहिए। देखिए फ्री वीज की बात होती है, जो रेवड़ियां बांटने का कल्चर है, आप सवाल उठाते हैं अरविंद केजरीवाल पर या दूसरे लोगों पर भी, लेकिन आप लोग भी तो ऐसी योजनाएं चलाते हैं। अरविंद केजरीवाल की तरह आपने मोदी को कहीं किसी सीढ़ी को चढ़ के बिजली का तार काटते हुए देखा है? जी बताइए, आप बताइए, मैं पूछ रही हूँ, आप मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे जी। चलिए नहीं देखा जी, नहीं देखा ना जी, मोदी जी को कभी ये कहते हुए देखा है कि वोट दे दो मैं सबके बिजली का बिल फाड़ दूंगा? नहीं। नरेंद्र मोदी ने देश की जो ट्रेजरी है उसका इस्तेमाल कैसे करने को कहा? सबसे उसका अच्छा उदाहरण
मैं महिला की दृष्टि से अगर दूं तो उन्होंने कहा मातृवंदन योजना शुरू करते हैं, मतलब कि एक गरीब औरत जब गर्भवती है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाती, वैक्सीनेशन लगाने नहीं जाती, अस्पताल नहीं जाती चेकअप के लिए, क्योंकि उस दिन की दिहाड़ी उसकी चली जाती है जी। नरेंद्र भाई ने कहा ऐसी बहन के बैंक के खाते में 5,000 रुपए डाल दो ताकि डॉक्टर का चेकअप कराए। अब जिस गरीब औरत को 5,000 रुपए मिल गए, उसने कहा ठीक है एक दो दिन की अगर दिहाड़ी जाती है तो कम से कम मैं डॉक्टर से मिल सकती हूँ, वैक्सीनेशन कर सकती हूँ, और पहली बार वो अस्पताल में जाती है, सरकारी अस्पताल में उसे प्रोत्साहित किया जाता है कि आप बच्चे को घर पर जन्म ना दे, अगर आपको भगवान न करे कुछ हो जाए तो कम से कम अस्पताल में जन्म देंगी तो डॉक्टर बचा पाएंगे, माता मृत्यु दर कम होती है, बच्चे की मृत्यु दर जन्म पे कम होती है। तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कहा 5,000 रुपए दे दो जी, उसके पीछे एक साइंटिफिक, और फिर उन्होंने क्या कहा कि अगर दूसरी बच्ची होती है, बेटी होती है तो 6,000 रुपए दो, क्यों? ताकि किसी को यह ना लगे बेटी को जन्म दे रहे हैं तो अभिशाप है जी। तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन अगर आपको कंपैरेटिव चाहिए तो हर बार ये सोचिए कि मोदी को आपने अरविंद केजरीवाल की तरह सीढ़ी चढ़ के बिजली का तार काटते हुए कभी देखा है क्या? तो बिल्कुल स्मृति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली देते हुए देखा होगा मोदी को सौभाग्य योजना से जी, इसीलिए लोगों की बत्ती गुल हो रही है और वो विदेश जा रहे हैं इस वक्त जी। स्मृति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के इस मंच पर आप आई। जाते जाते आप, अगर मैं गुजारिश करूं फिर से पूछ लेते हैं 24 में कौन, थोड़ा जोर से बोल दो, और यही मोदी की गारंटी है ऐसी बेटियां। तो क्या स्मृति ईरानी जी का इनका अपना अंदाज, इन्होंने गारंटी को इस तरीके से भी परिभाषित किया, और उन्होंने इनका साफ तौर पर यह कहना है कि 23 में जो नतीजे आए हैं उससे भी साफ जाहिर होता है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है। और साथ ही साथ एक बड़ी बात उन्होंने कही कि 24 में मोदी की गारंटी चलेगी और विपक्ष की वारंटी खत्म हो गई है। लेकिन हाँ, मैं फिर भी कहूंगा कि अभी हम 24 तक इंतजार जरूर करेंगे, चुनाव होगा, चुनाव प्रचार होगा, फिर से वायदे होंगे, दावे होंगे, आप लगातार ये तमाम वायदे और दावे और ये गारंटी हम देखते रहेंगे एबीपी न्यूज पर। फिलहाल हमारे साथ में इजाजत, नमस्कार।